नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिलोम या बॉडी कैविटी, या जिसे हम हिंदी में देह गुहा कहते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि सिलोम क्या है, सिलोम के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है तथा सिलोम के क्या कार्य होते हैं। तो चलिए जानते हैं सिलोम क्या है और उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। दोस्तों, अगर हमें सिलोम के बारे में समझना है तो हमें कोई ना कोई एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे आसानी के साथ समझ सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम मानव को ही लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मानव जो है उसमें एलिमेंट्री केनाल पाई जाती है, एलिमेंट्री केनाल या आहार नाल पाई जाती है, और उस आहार नाल के जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होता है। अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरह से डायग्राम होता है। यहां पर ये इंटेस्टाइन होती, ये आहार नाल होता है। आहार नाल में आप देख रहे हैं कि ये माउथ है। माउथ जो है फेरिंग्स से होते हुए ईसोफेगस में आता है, ईसोफेगस से होते हुए अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत तथा इस प्रकार से बाहर निकलता है। वहीं पर हम क्या देखते हैं कि इन जंतुओं में अर्थात मनुष्य में सबसे बाहर की ओर देह भित्ति पाई जाती है। देह भित्ति पाई जाती है अर्थात देह भित्ति और आहार नाल दो चीजें हो गई, देह भित्ति और आहार नाल। इसी देह भित्ति और आहार नाल के बीच में जो गुहा पाई जाती है, इसी गुहा को सिलोम कहा जाता है। देह भित्ति और आहार नाल के बीच में जो गुहा पाई जाती है उस गुहा को सिलोम या बॉडी कैविटी या देह गुहा कहा जाता है। देखिए, देह भित्ति तथा आहार नाल के बीच में पाई जाने वाली गुहा को देह गुहा या सिलोम कहा जाता है। इस सिलोम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके अंदर आंतरिक अंग सुरक्षित रहते हैं। इसमें शरीर के आंतरिक अंग उपस्थित होते हैं। सामान्य तौर पर जो वास्तविक सिलोम है उसकी उत्पत्ति मेसोडर्म के द्वारा होती है, अर्थात मेसोडर्म की दो परतों के बीच में वास्तविक सिलोम का विकास होता है। इनमें से जो बाहरी परत होती है उसे काइक मेसोडर्म कहा जाता है। यहां पर जो बाहर की ओर जो परत बनेगी, ये बाहर की ओर परत बनने जो परत बनेगी वह परत क्या कहलाएगी, काइक मेसोडर्म कहलाएगी। जबकि आंतरिक अंगों के तरफ पाए जाने वाला जो परत होगी वह परत अंतरांगी मेसोडर्म कहलाएगी। बाहर की तरफ पाए जाने वाली परत काइक मेसोडर्म कहलाती है, जबकि अंदर की ओर पाए जाने वाली जो परत है वह अंतरांगी मेसोडर्म कहलाती है। सिलोम के आधार पर अगर हम जंतुओं की बात करें तो सामान्य तौर पर जंतुओं को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, असिलोमेट जंतु, स्यूडोसिलोमेट जंतु और यूसिलोमेट जंतु। असिलोमेट जंतु, स्यूडोसिलोमेट जंतु और यूसिलोमेट जंतु। अगर हम असिलोमेट जंतु की बात करें, असिलोमेट जंतु की बात करें तो ऐसे जंतु जिनमें सिलोम नहीं पाई जाती है असिलोमेट जंतु कहलाते हैं। ऐसे जंतु जिनमें सिलोम नहीं पाई जाती है असिलोमेट जंतु कहलाते हैं, जैसे फाइलम प्लेटेहेलमेंथिस के जंतु। इन जंतुओं के अगर हम देखें तो इन जंतुओं के एक जो सेक्शन हमने काटा है उसमें सबसे बाहर की ओर मेसोडर्मिस है, जबकि अंदर की ओर जो है एंडोडर्मिस या गैस्ट्रोडर्मिस है।
बीच में मिजोडर्म पाई जाती है, और इसी स्थान पर जो है वो पेरेन्काइमा भरी हुई होती है। क्योंकि पेरेन्काइमा भरी होने के कारण यहां पर सिलोम का विकास नहीं हो पाता, अर्थात जिनमें सिलोम नहीं पाई जाती है ऐसे ही जंतुओं को असिलोमेट जंतु कहा जाता है। एक बार पुनः देखिए, असिलोमेट जंतु से तात्पर्य क्या है कि ऐसे जंतु जिनमें सिलोम अनुपस्थित होती है असिलोमेट जंतु कहलाते हैं, जैसे संघ प्लेटे हेलमेंथिस के जंतु। दूसरी कैटेगरी स्यूडो सिलोमेट, ऐसे जंतु जिनमें मिथ्या सिलोम पाई जाती, वास्तविक सिलोम नहीं पाई जाती, ऐसे जंतु जिनमें मिथ्या सिलोम पाई जाती है अर्थात जिसकी उत्पत्ति मीजोडर्म के द्वारा नहीं होती है, ऐसे जंतुओं को स्यूडो सिलोमेट कहते हैं। ऐसे जंतु जिनमें वास्तविक सिलोम नहीं पाई जाती अर्थात जिसकी उत्पत्ति मीजोडर्म के द्वारा नहीं होती है, ऐसे सिलोम जो है वो ऐसे सिलोम वाले जंतुओं को स्यूडो सिलोमेट कहते हैं, जैसे फाइलम एस्के हेलमेंथिस के जंतु। अगर हम डायग्राम को देखें तो इसमें सबसे बाहर की ओर आप देख रहे हैं एपिडर्मिस है, जबकि अंदर की ओर पाए जाने वाली जो है वो एंडोडर्मिस है, और बीच में जो है ये मेसोडर्म। एक्चुअल में इस प्रकार के जो जंतु है उन जंतुओं में जो ब्लास्टोसील कैविटी होती है वहां ब्लास्टोसील कैविटी अवशेषी रूप में पाई जाती है, और अवशेषी रूप में पाए जाकर ही ये सिलोम जैसी संरचना का निर्माण करती है जिसको हम मिथ्या सिलोम कहते हैं। और ऐसे ही जंतु जिनमें इस प्रकार की सिलोम पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं, स्यूडो सिलोमेट कहलाते हैं। अब तीसरी कैटेगरी देखे यू सिलोमेट जंतु, यू सिलोमेट जंतु ऐसे जंतु जिनमें वास्तविक सिलोम पाई जाती है, ऐसे जंतु जिनमें वास्तविक सिलोम पाई जाती है अर्थात ऐसी सिलोम जो मिजोडर्म के द्वारा आश्रित हो, चारों ओर से मिजोडर्म के द्वारा घिरी हुई हो, यू सिलोमेट कहलाते हैं। ऐसे जंतु जिनमें वास्तविक सिलोम पाई जाती हो अर्थात जो सिलोम मिजोडर्म से आश्रित होती है, ऐसे जंतुओं को यू सिलोमेट जंतु कहते हैं। अगर आप डायग्राम की तरफ ध्यान दें तो डायग्राम में आप देखेंगे कि सबसे बाहर की ओर एक्टोडर्म पाई जाती, अंदर की ओर इंडोडर्म पाया जाता है, और इंडोडर्म से अंदर की ओर ये जो है आप देख रहे हैं एलिमेंट्री केनाल है। एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में ये मिजोडर्म है, ये जो आप देख रहे हैं ये मिजोडर्म है, और इसी मिजोडर्म से घिरी हुई गुहा पाई जाती है, और ये जो गुहा है ये गुहा सिलोम कहलाती है। आप देखेंगे ये दोनों तरफ की जो गुहा है वो बीच में मेसेंट्री के द्वारा जुड़ी हुई है, इस सिलोम के अंदर जो द्रव पाया जाता है वह द्रव देहगुही द्रव या सिलोमिक द्रव कहलाता है। इस सिलोम के अंदर विभिन्न विसरल आर्गन पाए जाते हैं, इस सिलोम के अंदर विभिन्न प्रकार के विसरल आर्गन पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि ऐसे जंतु जिनमें वास्तविक सिलोम पाई जाती है और जो सिलोम मेसोडर्म से आश्रित होती है, ऐसे जंतुओं को हम यू सिलोमेट कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर इस प्रकार की जो सिलोम है वो दो प्रकार की होती है, साइजोसिलस सिलोम और एंटीरोसिलस सिलोम। साइजोसिलस सिलोम और एंटीरोसिलस सिलोम, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो साइजोसिलस सिलोम है वो क्या होती है, कि साइजोसिलस सिलोम से तात्पर्य है कि ऐसी सिलोम जो मीजोडर्म के विखंडन से बनती, ये जो संरचना देख रहे हैं मीजोडर्म, और मीजोडर्म के विखंडन से जो सिलोम का फॉर्मेशन होगा वह कहलाएगी साइजोसिलस सिलोम। इस प्रकार की जो सिलोम है वह एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में फैली हुई होती है। आप देख रहे हैं कि यहां पर ये सबसे बाहर का जो स्तर है वो एक्टोडर्म है, जबकि अंदर का जो ये स्तर है वह इंडोडर्म कहलाता है, और इन दोनों स्तरों के बीच में जो है वो क्या है, मेसोडर्म है। जब ये मेसोडर्म विखंडित होकर सिलोम का निर्माण करती है तब इस प्रकार की सिलोम को हम साइजोसिलस सिलोम कहते हैं। चलिए
यहां पर एक चीज बता दे कि जो साइजोसीला सिलोम है वह फाइलम एनेलिडा, आर्थोपोडा तथा मोलस्का के सदस्यों में पाई जाती। साइजोसीला सिलोम जो है वह एनेलिडा, आर्थोपोडा और मोलस्का के सदस्यों में पाई जाती है। यहां एक बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की है कि आर्थोपोडा और मोलस्का के सदस्यों में जो वास्तविक सिलोम है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। वास्तविक सिलोम कैसी हो जाती है? रिड्यूस्ड हो जाती है, न्यूनीकृत हो जाती है, तब ऐसी सिलोम को जो है वो स्यूडो सिलोम कहा जाता है। और इस सिलोम के अंदर, इस स्यूडो सिलोम के अंदर ब्लड भरा हुआ रहता है और ब्लड भरा होने के कारण इस प्रकार की जो सिलोम है उसको हीमोसील कहा जाता है। यहां पर ध्यान रखिएगा इसको क्या कहा जाता है, हीमोसील कहा जाता है। और यह हीमोसील जो है वो आर्थोपोडा और मोलस्का के सदस्यों में पाया जाता है। चलिए देखिए अब दूसरे प्रकार के सिलोम की बात करें, एंटीरोसीरस सिलोम। ऐसी सिलोम जिस जो आर्केंट्रान के बाहर की तरफ निकली हुई पाउच के कारण बनती है, ऐसी सिलोम जो आर्केंट्रान से बाहर की तरफ निकली धानियों या पाउच से विकसित होती है एंटीरोसीलस सिलोम कहलाती है। अगर हम इसको यहां पर डायग्रामेटिक समझने की कोशिश करें तो इसको अगर आप देखें तो हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो केविटी है, ये केविटी है आर्केंट्रान केविटी, और ये जब बाहर की तरफ निकलती है तो कुछ पाउचेस का निर्माण करती है, ये है पाउचेस। और इनसे जिस सिलोम का निर्माण होता है वही सिलोम क्या कहलाती है, एंटीरोसीरस सिलोम कहलाती है। इस प्रकार की सिलोम इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा बर्ड्स में पाई जाती है। इस प्रकार की सिलोम इकाइनोडर्मेटा तथा कार्डेटा के सदस्यों में पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं कि सिलोम के क्या कार्य होते हैं और उन कार्यों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो सिलोम है उस सिलोम के अंदर जो है वो आंतरिक अंग पाए जाते हैं, अतः आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का जो कार्य है वह कार्य सिलोम का होता है। अर्थात फंक्शन की जब बात करते हैं तो यह आंतरिक अंगों को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा कार्य की अगर हम बात करें तो यह शरीर को लचीला बनाए रखने का कार्य करता है। शरीर को लचीला बनाए रखने का कार्य भी जो है वो सिलोम के द्वारा किया जाता है। सिलोम के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं, सिलोमिक द्रव कहते हैं, देहगुही द्रव्य कहते हैं। तो यह द्रव जहां पर पाए जाने वाले अंगों को, आंतरिक अंगों को यथास्थान बनाए रखने में सहायता करता है। सिलोमिक फ्लूइड आंतरिक अंगों को सही स्थान पर बनाए रखने में सहायता करता है। एक और कार्य की बात करें तो देहगुहा जो है वो द्रव स्थैतिक कंकाल की तरह कार्य करता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की तरह कार्य, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की तरह कार्य करता है। एक और कार्य देखें तो जो सिलोम है वह सिलोम आंतरिक अंगों को एक सुरक्षित स्थान प्रदान करने का भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में सिलोम क्या है, सिलोम के आधार पर जंतुओं का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है और सिलोम के क्या कार्य होते हैं यह देखा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।